हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी एजुकेशन। आज हम लोग इंडियन काउंसिल एक्ट पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी में, ठीक है। तो इंडियन काउंसिल एक्ट तीन है, 1861, 1892 और एक है 1909, ओके। तो इस वीडियो में हम लोग दो ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में दूसरी वाली जो है वो थर्ड वाली जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंडियन काउंसिल एक्ट में क्या है, आप लोगों को तो पता ही था कि जब 1858 में जो क्राउन रूल आया उसके बाद से जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट था उसको चेंज करके वायसराय ऑफ इंडिया बना दिया गया और एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो वायसराय जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है ना। अभी उस ये एक्ट में क्या क्या इंट्रोड्यूस किया गया वो हम लोग देखते हैं। देखिए 1858 में ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वायसराय को इंक्लूड किया गया और थोड़ा बहुत छोटा मोटा चीज़ इंट्रोड्यूस करवाया गया, लेकिन जो काउंसिल्स है ना, आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो मतलब बॉडीज थी, उसको एज इट इज़ ही रखा गया, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ था, ठीक है। तो अगर हम लोग 1853 वाले में देखते हैं तो उसमें क्या था कि ऐड कर दिया गया था वहाँ पे जो छः मेंबर्स, एक फर्स्ट ऑफ ऑल लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को अलग किया गया था, ठीक है। उस लेक्चर में मैंने बताया था डिटेल से आप लोगों को, प्लस जाके छः मेंबर्स में से चार मेंबर जो है वो लोकल रिप्रेजेंटेशन के लिए बोला गया था, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा से, ठीक है ना। अभी क्या हुआ है, पहली बात तो है डिसेंट्रलाइज किया गया है जो पावर्स था बॉम्बे और मद्रास का, उसको फिर से सेंट्रलाइज किया गया, ठीक है। जो 1833 में डिसेंट्रलाइजेशन हो गया था बॉम्बे मद्रास का, लेजिस्लेटिव पावर ले लिया गया था और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे वही सारे लॉ बना सकते थे, तो वो सारा जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन का जो था उसको फिर से कर दिया गया, मतलब जो सेंट्रलाइज किया गया था उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया गया, मतलब जो पावर ले लिया गया था उसको फिर से रिस्टोर कर दिया गया। तो यहाँ पे एक चीज़ तो यह है, दोनों को लेजिस्लेटिव पावर फिर से दिया गया, प्लस जाके न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला गया। तो क्या था, एक तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव था वहाँ पे सेंटर में, और जाके बॉम्बे एंड मद्रास में दो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल थी। नाउ फिर से एक नया प्रोविजन लाया गया कि बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है वहाँ पे और पंजाब में, ये तीनों जगह में नया लेजिस्लेटिव काउंसिल एस्टेब्लिश होगा। तो इस काउंसिल एक्ट के तरह 1861 के थ्रू ये प्रोविज़न आया और जाके बंगाल में, देखिए 1862 में नया लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट हुआ, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में आपका 1886 में एंड पंजाब में 1897 में, ये एक्ट के थ्रू पास हो गया था। जाके ये सब काम होने में और इस्टेब्लिशमेंट होने में आप लोगों का टाइम लगा, ओके। सेकेंड थिंग है, तो पहली बात, इस एक्ट का पहला क्या था कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। सेकेंड है कि नया लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट किया जाएगा बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस एंड पंजाब, ठीक है। तो ये दो हो गया। थर्ड क्या था कि एक नॉन ऑफिशियल मेंबर का एक प्रोविज़न आया कि इंडियंस लोग को जो वायसराय का लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहाँ पे और मेंबर्स को ऐड करना है, वो लोग लेकिन नॉन ऑफिशियल रहेंगे, ठीक है। तो कितना ऐड करना है, तीन मेंबर को ऐड करना है। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियंस इन लेजिस्लेटिव काउंसिल एज नॉन ऑफिशियल मेंबर, तीन जन, किनको करना है, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव, ठीक है, ये तीन जन को ऐड किया गया। अभी नेक्स्ट है कि पोर्टफोलियो सिस्टम लाया गया था लॉर्ड कैनिंग के थ्रू 1859 में, वो जाके लाया गया था, लेकिन 1861 में उसको लॉ बनाया गया। कि इसमें क्या था कि जो मेंबर्स होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल का, वो लोग क्या होंगे कि देखेंगे आपका एक से ज़्यादा, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं अभी के लिए, एक एक जन को पोर्टफोलियो, जैसे फिनेंस दे दिया गया, रेलवे दे दिया गया, लाइक दैट, वो लोग एक से ज़्यादा पोर्टफोलियो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा लाया गया था। और एक चीज़ लाया गया कि प्रोविजन फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्डिनेंस, इमरजेंसी के टाइम में ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं वायसराय, ठीक है। अभी भी जैसा है कि प्रेसिडेंट इमरजेंसी में ऑर्डिनेंस, अगर दोनों हाउस जो है लोकसभा राज्यसभा वो अगर वेकेशन में है या कुछ भी नहीं ऑफ है और बहुत जल्द में
आपका कोई भी लॉ पास करना है तो ऑर्डिनेंस लाया जाता है और फिर उसको 6 मंथ के विद इन उसको फिर से जो भी है बहुमत पास करवाया जाता है, ठीक है ना। देखिए तो उसी तरह का था कि इमरजेंसी अगर होगा तो लॉर्ड कैनिंग जो है मतलब वायसराय जो भी रहेंगे वो ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं विदाउट कंसल्टिंग दी आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसमें थोड़ा इम्पॉर्टेंट है तीन चार चीज़। देखिए फर्स्ट है आपका कि डिसेंट्रलाइजेशन हो गया बॉम्बे एंड मद्रास का। सेकेंड है कि न्यू प्रोविजन हुआ कि तीन जगह में, तीन स्टेट में, तीन प्रोविंसेस में नया लेजिस्लेटिव काउंसिल एस्टेब्लिश किया जाएगा। कहाँ कहाँ पे? बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड पंजाब में। थर्ड है कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इंडियंस लोग को एंट्री करवाया जाएगा कहाँ पे? लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, कौन कौन? राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर्रा। फोर्थ है कि पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया, जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर्स रहेंगे उनको दिया जाएगा कि वो लोग एक एक मिनिस्ट्री संभाले, लाइक द पोर्टफोलियो देयर इज अ एक एक डिपार्टमेंट, एक या फिर एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट भी वो लोग हैंडल कर सकते हैं, लाइक फिनेंस, लाइक होम, लाइक रेलवेज, ठीक है, इस तरह, लाइक एजुकेशन, इस तरह से। फोर्थ प्रोविजन हुआ कि वायसराय इमरजेंसी में ऑर्डिनेंस ला सकते हैं विदाउट कंसल्टिंग दी आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये हो गया आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। सेकेंड हम लोग देखते हैं काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो फंक्शन है वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। कैसे? देखिए पावर टू डिस्कस, इंडियंस लोग को क्या हुआ कि डिस्कस करने के लिए, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है कि इंडियंस लोग को जो बजट डिस्कस करने का पावर दिया गया और वो कौन से एक्ट के थ्रू दिया गया, तो ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ये याद रखिएगा आप लोग 1892, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के थ्रू। सो पावर दिया गया बजट डिस्कस करने के लिए, प्लस एग्जीक्यूटिव जो है उन लोगों को पूछने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए, जैसे अभी भी एग्जीक्यूटिव जो रहते हैं उन लोग क्वेश्चन आंसर्स पूछ सकते हैं, जो एमपीस लोग हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं। फिर जाके नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर जो है उसको आपको इंक्रीज किया गया, कहाँ पे? लेजिस्लेटिव काउंसिल जो भी है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल पे प्लस प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल पे। ये वाला चीज़, ये दो चीज़ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा एक तो बजट डिस्कशन है और एक है कि नॉन ऑफिशियल मेंबर जो है वो इंक्रीज करवाया गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो किस तरह से हुआ ये देखिए, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वायसराय जो है वो नॉमिनेट करेंगे और प्रोविंशियल में गवर्नर करेंगे, प्लस वायसराय जो है वो रिकमेंडेशन से करेंगे, रिकमेंडेशन से प्रोविंशियल काउंसिल के थ्रू, लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू और बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स, ओके, जो भी रिप्रेजेंटेशन आएंगे ये दोनों थ्रू नॉमिनेट वायसराय के थ्रू होंगे। प्रोविंस में क्या होगा, गवर्नर करेंगे, रिकमेंडेशन किनका किनका होगा, जैसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मेंबर्स, म्यूनिसिपलिटीज, यूनिवर्सिटीज, ट्रेडर्स, जमींदार, चेंबर्स, ये सारे का नॉमिनेशन आएगा। तो ये इनडायरेक्टली एक क्या हो रहा है कि इलेक्शन जैसा प्रोसेस, इलेक्शन देखिए यहाँ पे कहीं यूज़ नहीं किया गया, लेकिन चूंकि ये पीपल रिप्रेजेंटेशन है, ये लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी को, तो उसमें क्या हो रहा है कि इलेक्टेड बॉडी जैसा ही कुछ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो चीज़ याद रखिएगा, एक तो बजट डिस्कशन वाला चीज़ और क्वेश्चन आंसर से क्वेश्चन पूछ सकते थे एग्जीक्यूटिव से, ठीक है, अभी एग्जीक्यूटिव का मर्जी है आंसर दे नहीं दे, ठीक है ना, क्योंकि वो सब ब्रिटिशर्स ही हैं। नाउ सेकेंड है कि नॉन ऑफिशियल मेंबर जो है उसको बढ़ाया गया सेंट्रल में प्लस प्रोविंस में, प्रोविंसेस में। तो सेंट्रल में नॉमिनेशन होगा वायसराय के थ्रू एंड आपका प्रोविंसेस में नॉमिनेशन होगा गवर्नर के थ्रू। रिकमेंडेशन कहाँ कहाँ से जाएगा, प्रोविंसेस में, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनसिपल्टीज़, यूनिवर्सिटीज़, ट्रेडर्स, जमींदार्स एंड चेंबर्स। एंड आपका जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वायसराय के पास कहाँ से रिकमेंडेशन जाएगा, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से एंड बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। सो कंक्लूजन क्या है, द एक्ट इनिशियलाइजेज द इलेक्शन प्रोविजन, दो द टर्म इलेक्शन वॉज नॉट नोवेयर मेंशनड, ठीक है, बट बाय द प्रोसेस ऑफ नॉमिनेशन इट कैन बी इंटरफेयर इन्फर्ड दैट द इलेक्शन माइट टेक प्लेस इन फ्यूचर। तो ये क्या बोल रहा है कि इससे पता चलता है कि ये जो नॉमिनेट करके किसी को भेजा, नॉमिनेट अगर कर रहे थे उसका मतलब ही हम इलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी जैसे हम लोग वोट डालते, उस समय वोट का कुछ नहीं था, तो अभी हम लोग
1892 में क्या कर रहे हैं कि चूज़ कर रहे हैं, अपना प्रतिनिधि चूज़ करके हम जो काउंसिल है वहाँ पे हम भेज रहे हैं, दैट मीन्स ये पर्सन एलिजिबल है। तो इसको हम लोग क्या एक नेता जैसा ही मान रहे हैं कि हाँ ये हमारा जो चीज़ है कुछ डिस्कस करें, हमारा एरिया का जो प्रॉब्लम है वो वहाँ पे जाके आपका कम ब्रिटिशर्स के पास जो वायसराय है उसके काउंसिल में जाके वो बोल सकता है हमारे तरफ से। तो ये इट्स लाइक अ इलेक्शन प्रोसेस, इससे पता चलता है कि फ्यूचर में जाके इलेक्शन हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट में हम लोग 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है जिसको हम लोग मॉर्लिमेंटो एक्ट भी कहते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टिल देन टेक केयर।